स्प्लिटिंग क्या है और बुल टोकन से पैसा कैसे कमाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए कृपया इसे अंत तक देखें। स्प्लिटिंग से यूजर्स को अपने स्मार्ट वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी रिवॉर्ड प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। आप हर 24 घंटे में एक बार रिवॉर्ड का दावा कर सकते हैं। रिवॉर्ड आपके क्रिप्टो वॉलेट पते पर भेजा जाएगा और तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। दुनिया भर में हमारे लाखों यूजर्स द्वारा स्प्लिटिंग का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी लोगों को महंगे टूल्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के गहन ज्ञान की आवश्यकता के बिना प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। स्प्लिटिंग को मैनेज करने के लिए स्मार्टफोन का होना ही काफी है। स्प्लिटिंग कैसे शुरू करें? चरण दर चरण प्लानिंग यह सरल है। सबसे पहले आपके क्रिप्टो वॉलेट में बुल टोकन होना आवश्यक है। इसके बाद आपके वॉलेट में आपको एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करना होगा और अपने टोकन को कम से कम 24 घंटे के लिए फ्रीज करना होगा। पहले रिवॉर्ड का दावा 24 घंटे के भीतर किया जा सकता है। रिवॉर्ड का दावा करने के बाद एक नया काउंटडाउन काउंटर शुरू हो जाएगा और फिर आप जीवन भर के लिए हर 24 घंटे में डेली रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी में प्राप्त रिवॉर्ड का क्या करें? स्प्लिटिंग के लिए प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी को विभिन्न तरीकों से आसानी से कैपिटलाइज किया जा सकता है। किसी एक्सचेंज पर या आंतरिक एक्सचेंजर पर बेचें और फिएट मनी में निकाल लें। जल्द ही एक्सचेंज करें, डेबिट क्रिप्टो कार्ड में ट्रांसफर करें और दुनिया के लगभग किसी भी देश में खर्च करें। आंतरिक मार्केट पर भौतिक सामान खरीदने के लिए उपयोग करें। स्पॉट पर ट्रेड करें। लीवरेज के साथ फ्यूचर में ट्रेड करें। गेमिंग इकोसिस्टम में उपयोग करें या एक नए स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करें और इस प्रकार अपने डेली रिवॉर्ड में वृद्धि जारी रखें। स्प्लिटिंग किस तरह काम करता है? स्प्लिट टोकन और पूल स्प्लिट एक लिक्विडिटी पूल पर आधारित है, एक बंद और आत्मनिर्भर विकेंद्रीकृत प्रणाली। मूलतः लिक्विडिटी पूल एक बड़ा क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट है। इसमें ऐसी क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं जो दशकों से फ्रोजन हैं। यह वॉलेट विकेंद्रीकृत है, इसका कोई मालिक नहीं है। यह केवल ब्लॉकचेन से संबंधित है और केवल ब्लॉकचेन ही बैलेंस शीट पर स्टोर टोकन का निपटान कर सकता है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्पष्ट नियमों के अनुसार पुल से रिवॉर्ड जारी करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एल्गोरिथम में लिक्विडिटी लाने वाले यूजर को पुरस्कृत करने का नियम होता है और रिवॉर्ड का अधिकार विशेष शेयरों स्प्लिट्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्प्लिट्स एक विशेष उद्देश्य के साथ एक प्रकार का टोकन है। यूजर के रिवॉर्ड के अधिकार को निर्धारित करना। हर दिन पूल में एक निश्चित संख्या में क्रिप्टोकरेंसी वितरित किए जाते हैं, जिसे प्रतिभागियों के बीच फ्रोजन स्प्लिट टोकन की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है और यूजर के पास जितने अधिक स्प्लिट्स होंगे उसका रिवॉर्ड उतना ही अधिक होगा। प्रत्येक स्प्लिट के लिए संपन्न स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्लॉकचेन प्रतिदिन रिवॉर्ड की गणना करता है। यह रिवॉर्ड समय में सीमित नहीं है। आने वाले समय में स्प्लिट टोकन के आज के मालिकों के बच्चे और पोते टोकन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पूल प्रतिभागियों के बीच रिवॉर्ड कैसे वितरित किया जाता है? वितरित रिवॉर्ड की राशि वॉलेट पर स्प्लिट के स्थिर होने के समय और हाल्विंग अवधि पर निर्भर करती है। हाल्विंग बाजार में यूल्टिमा टोकन की आने वाली सप्लाई को लगातार आधा करने की एक प्रक्रिया है। हाल्विंग का मुख्य लक्ष्य नए टोकन की रिलीज को कम करके क्रिप्टोकरेंसी मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। वर्तमान समय में प्रत्येक पूल में प्रतिभागियों के बीच उनके स्प्लिट्स की संख्या के अनुपात में प्रतिदिन 5 टोकन वितरित किए जाते हैं। इस राशि को प्रतिभागियों द्वारा रखे गए स्प्लिट टोकन की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है और अंतिम संख्या रिवॉर्ड के अनुमानित मूल्य, अंग्रेजी भाषा में माई एस्टिमेटेड रिवॉर्ड के कॉलम में दिखाई देती है। अगले हाल्विंग के बाद कीमत आधी हो जाएगी और घटती जाएगी। इसका मतलब यह है कि पारिश्रमिक की राशि भी घट जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पूल में शामिल होना ही उचित होगा। तेजी से बढ़ते ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का हिस्सा बने, स्प्लिटिंग के जरिए रिवॉर्ड अर्जित करना शुरू करें और उन लाखों यूजर्स में शामिल हों जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सफल होने के लिए बैटल बुल्स को चुना है, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सफलता हासिल करने के लिए
बैटल बुल्स गेम को चुना है।